यार ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, एकदम सच बात बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम लाइफ को अपने रियल लाइफ में कंपेयर मत करना, और आज के टाइम पे ना किसी पे भी मतलब है ना तुरंत ट्रस्ट मत करना। शाम क्या मतलब है, अब है ना रात हो गई है गाइस, और हम लोग वे नहीं घूम रहे अभी तक फिलहाल। हम लोग इधर कहीं पे साइड पे रुकते हैं गाइस यहाँ पे, और मिलवाते हैं अपनी क्रश अपनी जान से आप लोगों को। थोड़ा सा आगे रुकते हैं आपको और इसकी लुक्स दिखाते हैं, आई होप सो दिख रहा हो, बिकॉज थोड़ा शाम हो गया। सो ये देखो, ये अपनी ड्यूक की फ्रंट लुक और ये है बैक लुक, देख रहे हो। तो यही है जो है अपने पास है, खुद का है। तो फिलहाल अभी हम लोग आपको अपने क्रश से मिलवा रहे हैं। ये देखो गाइस, ये रही अपनी ड्यूक। सो यही है अपनी क्रश अपनी जान, और ये कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, कभी हमें धोखा नहीं देगी, कभी किसी तरह का बहाना बनाकर दूर नहीं जाएगी गाइस। ये ना जान है मेरी, और कोई भी वैसा क्यूट गर्ल वगैरह वाला सीन मेरा फिलहाल नहीं है, जो भी था ख़त्म, मतलब लगभग ख़त्म मामला है। तो भाई लोग यहाँ पे अभी हम लोग रुके थे, आगे में एक ढाबा था, देख रहे हो वो जो बोरी से बनी हुई ना वही। सो वहाँ पे हम लोग चाय सुट्टा मारने के लिए थोड़ा सा रुके थे, और फिलहाल बहुत ठंड लग रही थी, सो हम लोगों ने चाय वाय पी लिया सब। आगे चलकर मैं आप लोगों से सारी सीन्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी मेरे लाइफ में चल रही है उससे रिलेटेड, जो भी आप लोग जानना चाहते हो, जो मैं हमारे बीच मतलब हम लोगों के बीच जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं मेकअप करके चलना चाहता हूँ। सो मैं आप लोगों से सारे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अभी। इंस्टाग्राम और रियल लाइफ, मतलब इंस्टाग्राम का जो लाइफ होता है ना वो अलग होता है, और रियल लाइफ में जो होता है ना जो भी कुछ होता है, चाहे से वो फिर एक छोटी सी फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, एक दोस्ती क्यों ना हो, जो रियल लाइफ में है ना वो इंस्टाग्राम लाइफ में नहीं मिलने वाला है गाइस। मतलब मैं अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी मेरे जैसे या फिर कुछ मतलब ओवर थिंकर ओवर लॉयल लोग रहते हैं जो ओवर केयर करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मतलब आपको बहुत कम मतलब 1% बंदे ऐसे मिलेंगे जो ऐसे आपको इंस्टाग्राम पे भी है या फेसबुक वगैरह पे, बाकी आधे से ज़्यादा लोग मतलब है ना टाइम पास और काटने वाले, या फिर जब उनका टाइम पास ना हो तो उस टाइम पे आपका यूज़ करने वाले ऐसे लोग मिलेंगे आपको। सो यही सारा सीन है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी कुछ इस टाइप का सीन है। मेन सीन ये ना कि सामने वाला बंदा 2 दिन का फेक अटेंशन दिखाता है एंड उसके बाद हमें इग्नोर करने लगता है, कुछ भी मतलब बहाना लगा सकता है यार, एग्ज़ाम्स पढ़ाई स्टडी ये वो, मतलब क्या ही बोला जाए यार, क्या ही मूड ख़राब है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, किधर जाए नहीं जाए यार, इतना राइड कर रहा हूँ ना, आप लोग वीडियो देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई होप सो थोड़ा बहुत। बट फिलहाल हम लोग अभी लगभग 4 घंटे से राइड ही कर रहे हैं, और अपना मूड जो है ना वो मूड का माँ बहाने हो चुका है भाई लोग। और मैं आप लोगों को बस एक मतलब एडवाइस देना चाहूँगा, बड़ा या छोटा भाई होने के नाते से, 2 hours later अपने जो एक जो भी मतलब क्यूट गर्ल वगैरह जो भी सीन था, सो पहले फ्रेंडशिप ये वो बेस्ट फ्रेंड ये वो हुआ, एंड देन अगेन मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज ये वो, मतलब बात बढ़ती गई, एंड अपना थोड़ा इमोशनली अटैच होने के बाद में स्टडी बीच में आने लगी, पेरेंट्स बीच में आने लगे, पढ़ाई बीच में आने लगी, एग्ज़ाम्स आने लगे। चलो ठीक है, एग्ज़ाम में भी यार देखो कोई भी बंदा ना मतलब इतना बिजी नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर, वो भी इतना बिजी नहीं होता है कि दिन भर में अपना आप मतलब जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए उसके लिए आप 5 मिनट टाइम नहीं निकाल सको। बट स्टिल यही वाला सीन होता है सबके साथ, मेरे ही नहीं सबको कटता है भाई। तो आप लोग समझ जाओ कि हाँ बस अब आपका कट गया, गेम ख़त्म, यहाँ से आपका कहानी ख़त्म, मैटर दब गया यहाँ से, आप फालतू का ओवर थिंक करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई लोग यहाँ पे। सो यही सारा सीन है मेरा फिलहाल, बस दुख इस बात का मतलब होता है ना किसी से हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, एंड उसके बाद भी सामने वाला बंदा सब जानते बूझते हुए ऐसा हमारे साथ मतलब बिहेव करता है, तो इस चीज़ का तो दुख होता है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई,
फिलहाल रीज़न जो इसकी वजह से मतलब मैं व्लॉग्स मेरा थोड़ा पेंडिंग जा रहा है ना, यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है भाई, बाकी सब सही है, मतलब कट रही है फिलहाल, अपना कट चुका है कहीं और से। आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं उसके लिए, कितना मेंटली डिस्टर्ब, कितना मेंटली मतलब डिप्रेस्ड हो चुका हूँ मैं। और फिलहाल आज मैं दोपहर में निकला था व्लॉग बनाने के लिए एंड आप लोगों से ये सारी सीन्स पहले ही क्लियर करना था, बट मेरा मूड मतलब इस तरह से मेरे मूड की माँ बहन मतलब मेरी फीलिंग्स की माँ बहन एक हो चुकी है ना, मैं बर्थडे वगैरह भी नहीं मनाता हूँ, बट इस बार अपने पास एक खुशी थी, इसकी वजह से हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान किया था, बट स्टिल क्या हुआ नहीं हुआ आप लोगों के सामने में है, ट्रस्ट मी तुम मर भी जाओ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो यार फिलहाल अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और ये मेरा लेफ्ट हैंड में थोड़ा बहुत लगा है एंड जैकेट पहना हुआ था तो बाकी ऊपर साइड में ऐसा कट नहीं हुआ है, बट जॉइंट्स वगैरह में चोट लगी और पैर में ये देख सकते हो और घुटनों की जॉइंट में ज़्यादा थोड़ी सी लग गई है और जॉइंट्स वगैरह हड्डियाँ वगैरह फूल गई है, बट ठीक है। और हल्का फुल्का बैक साइड में कमर में लगा, वो तो नहीं दिखा सकता हूँ आप लोगों से, छिपा नहीं है। सो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, जो मतलब बर्थडे के दिन भी मतलब 5 मिनट का टाइम है फिर एक भी नहीं कर सकता है, तो उससे बाकी दिन ये वैलेंटाइन डे ये सब फालतू की चीज़ें में मतलब क्या ही वो प्रेजेंस अपना दिखाएगा। सो यही सारा सीन है भाई लोग, मुझे नहीं मालूम जिस दिन बात हो या मिले उस दिन कौन सा बॉम्ब फूटेगा मेरे साइड से। सो आगे चलकर जो भी सीन्स होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बातें मतलब इतनी सारी शेयर करनी है ना एंड यार मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ये आप लोग भी जानते हो। सो जो भी है भाई बस यही सच है एंड मैं इसके लिए आप लोगों को कोई प्रूफ देने का मतलब वैसा ज़रूरी नहीं समझता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है यार आप लोग भी समझते हो, जो भी हमारे बीच में रहता है वो ट्रांसपेरेंट से रहता है। सो यही सारा सीन है भाई और मेरे तरफ से मतलब ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें इमोशनली अटैचमेंट ये सब होने के बाद में सामने वाला बंदा बोलता है यार एग्ज़ाम है ये है वो है एक महीने डेढ़ महीने पहले से, मैंने बोला ठीक है। फिलहाल बीच में वो बंदा सामने वाला जो पर्सन है वो ऑनलाइन भी आता है, मैसेजेस भी सेंड करता है, बट स्टिल नो रिप्लाई नो मैसेजेस, मतलब कोई भी उसकी तरफ से रिएक्शन ये वो कुछ नहीं है। और ऐसे में अगर बीच में एक दोबारा मैंने बोला यार बिजी ये वो तो उसमें मेरे से फाइट ये वो एंड अब मतलब सारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी दो कौड़ी के फ्रेंड्स नए नए मतलब प्लेबॉय टाइप वो सब इम्पोर्टेंट है, बस मुझे एक मेरी एक प्रायोरिटी अब नहीं है। मतलब क्या ही बोले यार, क्या ही बोला जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं आप लोग को नहीं बतला सकता यार इतना। ये व्लॉग मतलब मैं कब अपलोड करूँगा कब एडिट करूँगा ना, बस इसी पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द आप लोगों को व्लॉग मिल जाए। सो जब भी मिले भाई लोग इस टाइम पे तुम्हारे भाई को तुम लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो अपना सपोर्ट और प्यार दिखाना। और भाई फिलहाल सामने वाले बंदे को मतलब ज़्यादा बोल भी नहीं सकते कि हाँ कहीं और बिजी हो ऐसे वैसे, बिकॉज मतलब जहाँ यहाँ पे आपका घर है एंड मीलों दूर उसका घर है, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब उसके घर के सामने आपके फुआ के घर है या फिर आपके किसी रिलेटिव का घर है या फिर आपका घर है सामने आमने सामने, आप मिलो रोको पकड़ो समझाओ कुछ भी करो ऐसा कुछ नहीं है। एंड आपको एड्रेस भी सही मालूम नहीं होगा एंड एड्रेस मालूम होने के बाद आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, सिंपली अगर सामने होता तो आप समझा सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो, मतलब कुछ गलत नहीं कुछ अच्छा कर सकते हो मनाने के लिए, बट स्टिल वो बंदा जब सामने में नहीं है आपके मीलों दूर है, सो आप अगर ज़्यादा अपने तरफ से कुछ करते हो तो सीधा सीधी वो बंदा आपको ब्लॉक करके एंड उसकी फितरत ही यही है उसकी आदत ही अगर यही है सो वो चुपचाप से उसके पास और भी ऑप्शन होंगे अवेलेबल।
सो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। इंस्टाग्राम लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, बाकी देखो यार मेरा क्या होता है नहीं होता है यार, मेरे को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं समझ में आ रहा गाइस। जो भी होता है यार आने वाले व्लॉग्स में आप लोग को बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। बट स्टिल मैं एक ही बात रिपीट करूंगा फिर से, किसी से भी अगर ट्रस्ट करते हो तो तुरंत इमोशनली अटैच मत हो जाओ किसी से इतने आसानी से। पहले उसका नेचर देखो, कैरेक्टर देखो, ठीक है कैरेक्टर थोड़ा सा ख़राब है, कुछ भी अच्छा बुरा है यार वो सब मेंटेन होता है, बट नेचर कम से कम देख लो यार कि वो चीटर है या लॉयल रहने के लायक है या नहीं है, आपकी लॉयल्टी के लायक है या नहीं है, आपके ट्रस्ट के लायक है या नहीं है। भले से वो आपसे कितनी भी अपनी अच्छी और बुरी मेमोरीज शेयर कर दे या फिर अपने एक्सेस के बारे में बात कर दे, बट स्टिल वो कभी भी अपने एक्स के पास जा सकता है। आप देखो क्या वो बंदे में इतना कैपेसिटी है कि अगर आपके साथ आगे बढ़ता है वो बंदा सो लौट कर अपने एक्स की ओर नहीं देखेगा, जो भी उसके साथ हुआ पास्ट में वो सब भूल कर वो आपके साथ आगे बढ़ सकता है। सो तभी आप इमोशनली अटैच हो किसी से, नहीं तो फिर मत हो भाई। उनकी एक छोटी सी मतलब उनके नेचर में एक छोटी सी भी चेंजेस जो बोलते हैं ना, वो भी आपको बहुत गंदा वाला हर्ट कर सकती है, आपकी फीलिंग्स की माँ बहन एक कर सकती है भाई। तो गाइस अपना जैक जो है वो निकल चुका था, मालूम नहीं कैसा ना कैसा हो गया होगा। और भाई मैं बस यही बोल रहा हूँ ना गाइस कि तो पहले यार किसी को भी अच्छे से जान लो, समझ लो, उसके बाद ही इमोशनली अटैच होना, बिकॉज यार आज के टाइम पे बड़े बड़े रिलेशंस भी है ना यार, एक सेकंड में एक मैसेज में टूट जाती है। एंड यार आगे जो भी होगा मेरे साथ आप लोग को अपडेट्स दे दूंगा, एंड पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी वजह से किसी लड़की को कुछ हेट थिंग्स करे या कुछ हेट कमेंट्स करे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आईडी वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा उस टाइप का यार नेचर ही नहीं है, अगला पर्सन हर्ट कर दे, बट मैं यार नहीं कर सकता हूँ यार, मेरा नेचर वैसे नहीं है। तो नहीं तो मैं एक एक चीज़ दिखा सकता हूँ, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, बट यार मैं क्या फ़ायदा फिर उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रहेगा अगर मैं भी हर्टी करने लगूँ ये सारा घटिया काम। तो भाई लोग जब भी ये ब्लॉग मिले तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्या दिखाओ भाई लोग, बिकॉज तुम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे पास मतलब जीने की एक चाहत बस मेरी यही बाइक है, मतलब मेरी स्कूटी गाड़ी जो भी बोलो वो है, और एक आप लोग का प्यार है जो कि मुझे ब्लॉग करने में मोटिवेट करती है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है गाइस। तो देखा अभी किस टाइप का मैंने कटिंग काटा, और ये देखो राउंड साइड। तो भाई लोग आई होप कि कुछ भी अच्छा लग रहा हो। ओ भाई क्या कर रहा है भाई, और ये देखो अचानक ना इंडिकेटर ना कुछ, अचानक कहीं भी टर्न ले लिया कोई बंदा, अगर लिटरली स्पीड में रहने यार आके सीधा ठोक देगा। उसके बाद अगर गलती से उसने कैमरा वगैरह लगाया हुआ है तो बस सारा ब्लेम उस पर। सो जो भी है तुम लोग के सामने गाइस, बस यही अपना वैलेंटाइंस डे का ब्लॉग है और कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई लड़की नहीं है, कहाँ से लाओ वीडियो में लड़की है बताओ। और जो लोग अगर ज्ञान देने वाले हैं कि ये लड़की वैलेंटाइन डे ये वो और कर रहा, तो उनके ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यार सब अपने टाइम पे यार सब चाहते यार कोई उसका अपना हो। ये देखो कार वाला भोंसड़े के,
देखा गाइस पीछे मतलब कार वाला कैसे अचानक से मतलब टर्न ले लिया बिना इंडिकेटर वगैरह ये सब दिए। तो गाइस अपने अपने टाइम पे यार सब की मतलब ये एक रहती है कि मन रहता है, फीलिंग्स रहती है कि यार कोई फ्रेंड हो एटलीस्ट, या फिर कोई अपना टाइप का मतलब इंसान हो जिससे आपकी फीलिंग्स शेयर करें, अपनी सुख दुख शेयर कर सके। ओ भाई बंदा, तो मैं भी यार इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग्स हैं, मेरे को भी मन करता है यार कोई अपना हो जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ। और भाई फिलहाल हम लोग का राइड कंप्लीट होने वाला है। आई होप यार कुछ भी अच्छी लगी हो सो मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस देखो मैं भी स्क्रिप्टेड वीडियो बना सकता हूँ बट यार मेरी थोड़ी सी ऑडियंस है एंड जो भी है मैं आप लोगों से सारी चीज़ें अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलना चाहता हूँ। जो भी है मेरा रियल कंटेंट है सो मैं आप लोगों के साथ कुछ फेक नहीं करना चाहता हूँ। और यार आप लोग मतलब जिस वीडियो में लड़की हो फिर वो चाहे कैसा भी हो लाइक करते हो रिस्पांस देते हो, जिसमें रियल कंटेंट हो उसमें आप लोग रिस्पांस नहीं दिखाते हो तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार रियल कंटेंट को भी यार। और ये देख सकते हो यार क्या ही निकल रहा है, एक बार नोट सो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं और किसी मस्त ब्लॉग में। तो तब तक आप ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। सो कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी गाइस।